आज का जो पोर्शन है उसमें अभी तक हम यानी कह लीजिए अल्लामा अलॉन्ग विद मौलाना रूमी अभी तक वो बहिश्त ही के अंदर हैं, बहिश्त के मुख्तलिफ हिस्सों में फिर रहे हैं। तो ये मैंने पिछली दफ़ा ख़त्म किया था जिस वक्त एक कश्मीर के मुतालिक बहस चल रही है और वहाँ पर एक दीवाना जो है वो ख़िताब करके चला जाता है, और ये दीवाना जो है वो दरअसल रूह कश्मीर है जिसमें वो वाजे करने की कोशिश करते हैं बड़ी डिप्रेसिंग तरीके से कि अपना रास्ता ले हमसे गुजर जा, हमें छोड़ दे अपने हाल पर, हमारे हाल बहुत बुरा है। तो वो जब मंजर तारीक होने के बाद रोशन होता है तो शाह हमदान इकबाल से मुखातब होते हैं। शाह हमदान वो शख्स है जिसकी सबब बहुत सारे कश्मीरी जो हैं वो मुसलमान हुए हैं। तो शाह हमदान का बहुत बड़ा रोल है, उन्हीं का रोल है कि कश्मीर जो है वो एक तरह से ईरान सगीर बन गया, यानी कल्चरली या दूसरे सनत हरफत के अतबार से। और उनका मज़ार जो है वो ताजिकिस्तान में है, रशियंस के ज़माने में, USSR के ज़माने में तो उस पर उन्होंने खिलाफ़ चढ़ाया हुआ था, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब आप वहाँ जा सकते हैं और उन पर वहाँ पर बाकायदा कुरान शरीफ की तलावत हर वक्त होती रहती है और मज़ार की बड़ी फजीलत है अपने नुक्ता निगाह से। तो यहाँ शाह हमदान जिंदा रूद से मुखातब होकर कहते हैं कि ऐ बेटे तुझे एक बारीक नुक्ता बताता हूँ, जिस्म सिर्फ खाक है मगर जान कीमती मोती है, जिस्म जान की हिफाजत की खातिर कुर्बान किया जा सकता है और यूँ पाक और खाक की शनाख्त मुमकिन है। यानी जान जो है वो पाक हो गई और जिस्म जो है वो खाक हो गया। अगर तुम जिस्म का कोई टुकड़ा उससे अलहदा कर दो तो वो हमेशा के लिए रुखसत हो जाएगा, लेकिन वो जान जो तजल्ली के जलवे से मस्त होकर शहादत हासिल करे तो उसे हाथ से दे भी दो तो वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। जान के जौहर की तरह और कोई शय नहीं, जान से मुराद इकबाल की दिल भी है, दिल बा मुकाबला तन, मन बा मुकाबला तन, तो जान से मुराद दिल भी है। दिल जिस्म की कैद में रहते हुए भी आज़ाद है, तो अगर जान की निगहदाश्त करता रहेगा तो वो जिस्म ही में मर जाएगी, लेकिन अगर तू उसे हक की खातिर कुर्बान करता है तो वो अंजमन की रौनक में इजाफा करेगी। ए जवान मर्द, जलवा जाने जलवा मस्त क्या है और जान को अपने हाथ से दे देने के क्या मानी है, जान देना क्या है, जान को स्पुर्द हक करना, गोया पहाड़ सोजे जान के जरिए पिघला देना है, जलवा मस्ती क्या है, अपने आप को पा लेना और रातों में सितारे की तरह चमकना है, खुद को ना पा सकना अपने आप को मिटाना है। ये देखिए इकबाल का फलसफा खुद ही है जिस पर एम्फेसिस आप अपने अपनी ज़ात पर है। तो उसी सिमन में कह रहे हैं कि खुद को ना पा सकना अपने आप को मिटाना है मगर खुद को पा लेना अपने आप को खुद के सुपुर्द करना है। हर वो जिसने अपने आप को देखा और गैर अज खुद किसी को ना देखा वो अपने आप की कैद से अपना सामान समेत बाहर निकल आया है। वो जलवा बदमस्त जो अपने आप को पहचान लेता है वो मुश्किलात के जहर को आसूदगी के शहद से बदरजा बेहतर समझता है। उसकी निगाह में जान हवा की मानिंद सस्ती हो जाती है, उसके रूबरू उसके जिस्म का जिंदान लर्जा होकर टूट जाता है, उसका तेशा सख्त पत्थर तोड़ देता है, हत्ता कि वो ज़माने से अपना हिस्सा छीन देता है। जब वो जान से गुजर जाता है तो यही जान उसकी मुस्तकिल जान बन जाती है, वरना जान की हैसियत तो यही है कि वो उसकी एक दो दिन की मेहमान है। सो ये जान की जो एक हकीकत है उसको बयान करने की कोशिश कर रहे हैं
جس میں یہ ساری اس کی خصوصیتیں بیان کی جاتی ہیں. زندہ رود کہتا ہے آپ نے نیکی اور بدی کی حکمت بیان کر دی. اے پیرے دانا ایک اور نقطے کی وضاحت بھی کر دیجئے, ہم تو غریب بھکاری ہیں اور حاکم ہم سے خراج مانگتا ہے. بتائیے تاج و تخت کے اعتبار کی اصلیت کیا ہے, خراج کس کو دینا چاہیے؟ تو اس کا جواب شاہ امدان دیتے ہیں, مشرق و مغرب میں ملوکیت کی حیثیت کیا ہے, یا وہ قوموں کی رضا سے قائم ہے یا جنگ و جدل سے. اے بلند مقام شخص, میں تجھے صاف کہہ دوں کہ دو آدمیوں کے علاوہ کسی کو خراج دینا حرام ہے. یہ کون سے دو آدمی ہیں؟ ایک ایسا اول الامر جو منکم کے ذریعے آئے. اچھا یہ اول الامر منکم, یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. قرآن مجید میں یہ ہے کہ اطاعت کن پر فرض ہے, اس اول الامر پر جو آپ میں سے ہو. اس میں منکم کا نقطہ جو ہے اس کی وضاحت علامہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں, جو اول الامر منکم ہے اصطلاح, اور منکم سے مراد یہی ہے جو تمہاروں تم لوگوں میں سے ہو, تمہارا اپنا لوگوں میں سے ہو, وہ منکم ہے. تو ایک تو وہ خراج کے قابل ہے, اس کو خراج آپ دے سکتے ہیں, ایسا حاکم یا ایسا امیر جو تم میں سے ہو, یعنی وہ انگریز نہ ہو یا کوئی غیر شخص نہ ہو, وہ تمہاری قوم میں سے ہو, تمہاری ملت میں سے ہو. تو ایک تو وہ ہے, ایک ایسا اولی امر جو منکم کے ذریعے آئے, اس کے حق میں تو قرآن کی آیت حجت اور دلیل ہے, اور دوسرا وہ جوان مرد جو دشمن کے خلاف تند و تیز آندھی کی طرح اٹھے, شہر فتح کر لے اور حق و باطل کی جنگ میں جان کی بازی لگا دے. جو بروز جنگ ملک فتح کرنے والا ہو اور بروز صلح دلبری کے انداز سے لوگوں کے دل جیت لے. ایران اور ہندوستان کو خریدا جا سکتا ہے لیکن بادشاہی کسی سے خریدی نہیں جا سکتی. اے جوان ہنر مند, جام جمشید کبھی کسی نے شیشہ گر کی دکان سے نہیں خریدا, اگر اسے خریدا بھی جائے تو وہ محض شیشہ ہوگا جو ٹوٹ جائے گا. پھر غنی کشمیری بولتے ہیں, یہ کہتا ہے ہندوستان کو آزادی کا ذوق کس نے دیا, شکار کو شکاری کی دیوانگی کس نے عطا کی, ان زندہ دل برہمن زادوں نے. یہ پنڈت نہرو اور ان کے خاندان کی طرف اشارہ ہے, یعنی اس زمانے میں علامہ کا جو اپروچ تھی 1931 میں جب جاوید نامہ تحریر کیا گیا, تو انہیں توقعات تھیں کہ شاید پہلی دوسری راؤنڈ ٹیبل کانفرنسز میں ہندوستان کے معاملے کے بارے میں کوئی آپس میں مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. تو دیکھ لیجئے اسی زمن میں یہ سیاسی طور پر پنڈت نہرو اور پنڈت نہرو کے باپ کو موتی لال نہرو کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان کی کشمیر کی نسبت سے. تو غنی کشمیری کے منہ سے کہلواتے ہیں, غنی کشمیری میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ کشمیر کا معروف شاعر تھا, جس کے متعلق مشہور تھا یہی کہ وہ جس وقت خود اپنے کم گھر میں ہوتا تھا تو تالا لگا کے رکھتا, جب گھر سے باہر جاتا تھا تو گھر کو کھلا چھوڑ جاتا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو, تو اس نے جواب دیا کہ میرے گھر میں اور کوئی قیمتی شے ہے ہی نہیں سوائے میری ذات کے, تو میں جب گھر کے اندر ہوتا ہوں تو تالا لگا کے رکھتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تالا نہیں لگاتا. تو اس کا مطلب یہ کہ اقبال اس سے اس کے جو زندگی کا گزارنے کا طریقہ ہے اس کو بھی خودی کی طرف ایک اشارہ سمجھتے ہیں کہ سب سے قیمتی شے جو ہے وہ آپ خود ہیں, تو اس لیے باقی چیزیں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. تو اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو. اب یہی غنی کشمیری جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ان زندہ دل برہمن زادوں نے, جن کے چہروں کی لالی سرخ لالے کے پھول کو بھی شرمندہ کر دے, جو تیز نگاہ تجربہ کار اور سخت محنتی ہیں, جن کی نگاہوں کی تاب نہ لا کر فرنگ بھی واویلا کر رہا ہے, ان کی اصل ہماری دامنگیر خاک سے ہے, ایسے ستاروں کے طلوع کا باعث ہمارا کشمیری تو ہے. اگر تم ہماری خاک کو چنگاری سے خالی سمجھتے ہو تو ایک مرتبہ اپنے اندر تو جھانکو, تم بھی تو اسی خاک سے تعلق رکھتے ہو. یہ سارا سوز جو تم اپنے اندر رکھتے ہو کہاں سے آیا, یہ باد بہاری کے جھونکے کہاں سے آتے ہیں, یہ وہی ہوا ہے جس کی تاثیر سے ہمارے کوہسار بھی رنگوں کو حاصل کرتے ہیں.
क्या तुम्हें मालूम है एक दिन वुलर झील की एक मौज ने दूसरी मौज से क्या कहा? हम कब तक इस समुंदर में एक दूसरे से टकराती रहेंगी? उठो ताकि किसी लम्हे हम साहिल से भी टकराएं। हमारी पैदा करदा पुरानी नदी, ये सिंध की तरफ इशारा है, दरियाए सिंध की तरफ, हमारी पैदा करदा पुरानी नदी जिसका शोर वादियों को हो दमन में है, हर वक्त वो अपनी राह के पत्थरों से टकराती है और बिलाखिर पहाड़ के अंदर से भी अपना रास्ता निकाल लेती है। वो जवान दरिया जो शहर दश्त और आबादियों को अपनी गिरफ्त में लेता है, उसने सैकड़ों नदियों के पानियों से परवरिश पाई है। उस दरिया की सितवत आदमियों के लिए महशर बर्पा करती है। वो हमारे कश्मीर में से ही तो निकला है, किसी और इलाके से तो नहीं निकला। साहिल की हदूद के अंदर रहकर जिंदगी गुजारना गलती है, साहिल की हदूद के अंदर रहकर जिंदगी गुजारना गलती है, मगर हमारा साहिल हमारे अपने लिए रास्ते का पत्थर बना हुआ है। साहिल के अंदर महदूद रहना हमेशा के लिए मौत है, खास सुबह और शाम पानियों में मौजें मुतलातम ही क्यों ना हों। जिंदगी दरअसल कोह दश्त में अपनी जौलानियाँ दिखाने का नाम है, इसलिए मुबारक है वो मौज जो साहिल से आगे निकल जाए। ऐ जिंदा रूद, तुमने जिंदगी की पेशानी पर तकदीर की लकीरें पढ़ी हैं। हमने अहले मशरक को गौकाए हयात बख्शा है, तेरे अंदर ऐसी आह है जिसके सोज से जिगर जल गया। अगर उस आह ने तुम्हें बेताब कर दिया तो हम तुमसे भी ज़्यादा बेताब हैं। बाग के परिंदे तेरे बायस हाओ हू में मशगूल हैं, सब्ज़ा तेरी आँखों से वजू कर रहा है, तेरी सृष्ट के मुताबिक क्यारियों में फूल खेले हैं, तेरे उम्मीद रखने के सबब दूसरे भी पुर उम्मीद हैं। कारवानों के लिए तेरी सदा तो बांगे रहील है, फिर तुम अहले कश्मीर से क्यों ना उम्मीद हो? उनके सीनों में दिल मुर्दा नहीं, उनके अंगारे बर्फ़ के नीचे दबे नहीं। रुक जा ताकि देख सके कि बग़ैर सूर की आवाज़ के कैसे ये मिलत कब्रों की खाक से उठकर खड़ी हो सकती है। ऐ साहिब नज़र बंदे, गम ना कर, अपने अंदर से ऐसी आह निकाल जो अपने सोज से खुश को तर को जला दे। इस नीले आसमान के नीचे कई शहर हैं जो किसी दरवेश मर्द की सोजनाक आह से जल चुके हैं। सल्तनत बुलबुले से भी नाजुक शय है, उसे तो एक फूंक से तबाह किया जा सकता है। कौमों की तकदीर की तश्कील शायराना नवा से होती है, ये भी अल्लामा इकबाल का एक फरमान है। नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोइट्स, दे प्रॉस्पर एंड डाई इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियंस। तो उस ज़मन में कह रहे हैं कि कौमों की तकदीर की तश्कील शायराना नवा से होती है, दरअसल ऐसी नवा उसे ताबीर दरअसल ऐसी नवा से ताबीर भी हो सकती है और तखरीब भी, अगर जा तेरे कलाम का निश्तर दिलों में चुभ चुका है। लेकिन जो तेरी असल सूरत है उसे किसी ने नहीं देखा, तेरी नवाए शेर तो एक पर्दा है, जो कुछ तू कहता है वो शायरी से मावरा है। ये नुक्ता समझने के काबिल है, ये अपने मुतालिक फरमा रहे हैं कि मेरी शायरी जो देखने की जो जाहिर है वो कुछ और है, लेकिन जो कुछ वो रियली है वो मावरा है शायरी से। तेरी नवाए शेर तो एक पर्दा है, जो कुछ तू कहता है वो शायरी से मावरा है। ऐ जिंदा रूद, अपनी नवाए मस्ताना से बहिश्त के अंदर भी एक हंगामा बपा कर दे। यानी देखिए, हंगामा बपा करने से वो बहिश्त के अंदर उसको तरगीब दे रहे हैं कि यहाँ भी गड़बड़ करो, यहाँ भी हंगामा बपा करो। ये तो हंगामा बपा करना जो है ये सूफिया कराम के टर्म्स में इनकलाब लाना है। तो ये तो कहता है बहिश्त में भी इनकलाब लाओ, यानी इनकलाब लाने से न रुको, खा वो बहिश्त क्यों ना हो। तो ये बाज़ औक़ात अपने जज्बात से जो निकल जाते हैं। तो जिंदा रूद, फिर इसके जब वो कहते हैं इसको क्या है, जिंदा रूद अपनी नवाए मस्ताना से बहिश्त के अंदर भी एक नया हंगामा बपा कर दे। तो जिंदा रूद कहता है, दरवेशी के नशे के साथ
تعلق پیدا کر کے دمادن مست ہو جا، جب تو اس نشے سے خوب پختہ ہو جائے تو خود کو جمشید کی سلطنت کے مقابل لے آ۔ پوچھتا ہے کیا ہمارا جہان تمہارے موافق ہے؟ میں کہتا ہوں موافق نہیں۔ وہ کہتا ہے تو پھر اسے تباہ و برباد کر دے۔ یعنی دیکھیے نا، انقلاب کا تصور دے رہے ہیں، ایک مردہ قوم کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، وہ کہتا ہے تو پھر اسے تباہ و برباد کر دے۔ میں نے محکدوں میں جا کر دیکھا ہے، پینے میں کوئی شائستہ حریف نہیں ملا۔ کسی رستم دستان کے ساتھ پنجہ آزمائی کرو، ان کمزور مخبچوں کو چھوڑو۔ اے لالہ صحرائی، تم تو تنہا جلا سکنے کے قابل نہیں، اس داغ جگر تاب کو آدم کے سینے میں پیدا کر دے۔ تو ہی اس کے اندر کا سوز ہے اور تو ہی اس کے خون کی گرمی ہے، کیا تجھے یقین نہیں؟ تو پیکر جہان کو چیر کر دیکھ لے، عقل تیرا چراغ ہے، اسے راستے میں رکھ دے۔ اگر عشق تیرا پیالہ ہے تو کسی محرم راز کے ساتھ مل کر پی۔ میں نے اپنے دل پر خون کے ٹکڑے آنسوں کی شکل میں میں اپنے دل پر خون کے ٹکڑے آنسوں کی شکل میں اپنی آنکھوں سے گرا رہا ہوں۔ میرے یہ لال بدخشاں لے اور اپنی انگوٹھی میں جڑ دے۔ اب جب منظر تاریک ہو جاتا ہے تو اقبال اور رومی ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جہاں ہری برتری کھڑا ہے۔ یہ ہری برتری وہی شاعر ہے جس کے متعلق علامہ اقبال نے اس کا ایک شعر اردو میں غالباً ضرب کلیم میں ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ یعنی یہ اس میں خوبی ہے ہری برتری میں، اس کا باقی کلام بھی اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیشہ بڑی عام سی بات کرتے ہیں۔ مثلا پھول کی پتی سے ہیرے کا جگر کٹ سکتا ہے، ہیرے کہتے ہیں کہ وہ کٹ ہی نہیں سکتا، ہیرے کو کاٹنا وہ آسان کام نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے پھول کی پتی سے بھی آپ ہیرے کو کاٹ سکتے ہو، لیکن کبھی جو مرد نادا ہیں اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے، وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا۔ تو یہ وہی شخص ہے جو اقبال سے وہاں بہشت میں ملتا ہے۔ اور مولانا رومی کہتے ہیں، قلعوں اور خیموں میں مقیم، یہ زندہ رود کہہ رہا ہے، قلعوں اور خیموں میں مقیم حوریں میری نوا کے سوز سے بے حد متاثر ہوئیں، کسی نے مجھے دیکھنے کے لیے خیمے سے سر باہر نکالا، کسی دوسرے نے اوپر کے دریچے سے چہرہ دکھایا، بہشت جاویداں میں رہنے والے ہر دل کو میں نے اپنے خاکدان ہندوستان کا درد دے دیا۔ پیر پاک زاد رومی مجھے دیکھ کر زیر لب مسکرائے۔ رومی کہتے ہیں، ہندی نظریات جادوگر، اس ہندی نوا پرواز شاعر کی طرف بھی دیکھ لے، جس کی نظر کے فیض سے شبنم کا قطرہ گوہر بن جاتا ہے۔ اس نقطۂ سنج کا نام برتری ہری ہے، اس کی فطرت بہار جیسی ہے، اس نے نورس غنچوں کے سوا چمن میں اور کچھ نہیں چنا، لیکن تیرے نغمے نے اسے ہماری طرف کھینچ لیا، اس کی شاعری بلند پایا ہے اور وہ فقیری میں بھی بہت بلند مقام رکھتا ہے، اس کے اچھوتے فکر نے نہایت خوبصورت نقش بنائے ہیں، اس کے دو حروفوں میں معانی کا ایک جہان پوشیدہ ہے، وہ زندگی کے کارگاہ سے پوری طرح باخبر ہے، اگر وہ جمشید ہے تو اس کی شاعری جامع جمشید ہے، ہمیں ہنر کی تعظیم کے لیے اٹھنا چاہیے اور اس کے ساتھ صحبت آراستہ کرنا چاہیے۔ زندہ رود کہتا ہے، اب ان سے مخاطب ہو کے زندہ رود ان سے پوچھتا ہے ہری برتری سے، آپ نے شاعری میں ایسے نقطہ دل نواز بیان کیے کہ مشرق آپ کی گفتار سے دانائے راز ہو گیا، بتائیے شعر میں سوز کہاں سے آتا ہے؟ کیا اس کا سرچشمہ شاعر کی اپنی خودی ہے،
या वो खुदा की तरफ से आता है। अब देखिए उसका जवाब क्या है। हरी बर्तरी कहता है कोई नहीं जानता कि शायर दर हकीकत कहाँ है, उसका मुकाम कहाँ है, वो अपने कलाम के जेर व बम के पर्दे में छुपा रहता है। यानी मतलब यह है कि नबी और वली तो खुदा को देख के मुतमईन हो जाते हैं, शायर खुदा को देख के भी मुतमईन नहीं होता, उसकी बेचैनी कभी दूर नहीं होती, वो ना फिराक में उसकी बेचैनी दूर होती है ना विसाल में। तो ये कह रहा है कि उसके पहलू में जो बेकरार दिल है उसे खुदा के हजूर में पहुँच कर भी करार नसीब नहीं होता। हमारी जान दरअसल जस्तजू के लुत्फ से लुत्फ उठाती है, यहाँ तक कि शेर भी मुकाम आरजू से सोज हासिल करता है। ऐ के शराब सुखन से हमेशा मस्त रहने वाले, अगर तुझे भी मुकाम आरजू मुयस्सर आ जाए तो इस संगो खिश्त की दुनिया में बैठे दो शेरों से बहिश्त की हुरों के दिल जीत सकता है। जिंदरूद कहता है मैं अहले हिंद को बेकरारी के आलम में देखता हूँ। ये वक्त है कि हकीकत के भेद को खुलकर बयान कर दिया जाए। ये देखिए यहाँ भी उसका सियासी डायमेंशन जो है कि हिंद में मैं बेकरारी के आलम, हिंद को मैं बेकरारी के आलम में देखता हूँ। तो हरी बर्तरी कहता है पत्थरों और ईंटों से बने हुए खुदा बेकार और बेख्तियार हैं, बलातर शख्स वही है जो बुतखाने और कलीसे से दूर रहे, बुतखाने और कलीसे से दूर रहे। ये देखिए किस तरह ये पाकिस्तान का तसव्वुर डेवलप हो रहा है, मुसलमान को खिताब कर रहे हैं कि बुतखाने और कलीसा से दूर रहो। ज़ौके अमल के बगैर सजदा बेफायदा है और कहीं नहीं पहुंचाता, जिंदगी सरापा किरदार है, अच्छा हो या बुरा मैं तुझे एक खरी बात बताता हूँ जो कोई नहीं जानता, मुबारक है वो बंदा जो उसे अपने दिल की लौ पर लिख ले, ये जहान जो तू देख रहा है खुदा की वजह से ऐसा नहीं है, इसकी शक्ल वही है जो तूने बनाई है, चरखा तेरा है और धागा भी तेरा जो तूने तकले पर बनाया है, मुकाफात अमल के आइन के रूबरू सजदा करो क्योंकि अमल ही की बिना पर दोजख बहिश्त और आराफ पैदा किए गए हैं। सो अमल पर एम्फेसिस है। अब ये आगे आते हैं तो ये फ़कीरों से निकल के अब बादशाहों की तरफ आ रहे हैं और उस मुकाम पर पहुंचते हैं जहां एक महल में ये तीन सलातीन बैठे हैं, एक तो नादर शाह है, दूसरा अब्दाली है और तीसरा सुल्तान टीपू है। ये तीनों वहाँ पर बैठे हैं तो जिंदारूद कहता है बर्तरी की सदा मेरी जान में उतर गई, उसकी नवा ने मुझे मस्त कर दिया। तो रूमी कहता है अपने दिल की आँख को खुला रखो, अपने ख्यालात के हलके से बाहर निकलो, तुम दरवेशों की महफिल से तो गुजरे हो, अब बादशाहों के महलात पर भी एक निगाह डालो। जिंदारूद हैरत से कहता है इस बज़म में मशरक के सलातीन जो ईरान अफगानिस्तान और दक्कन की शान थे रौनक अफरोज हैं, ये नादर शाह है जो मुस्लिम फ़िरकों में इत्तेहाद की ज़रूरत से आगाह था। ये नादर शाह ईरान का है, आगे नादर शाह अफ़गानी का जिक्र भी आता है लेकिन यहाँ नादर शाह ईरान का है। जो कहता है कि ये नादर शाह है जो मुस्लिम फ़िरकों में इत्तेहाद की ज़रूरत से आगाह था और जिसने मुसलमानों को मोहब्बत का पैगाम दिया, ये अब्दाली है जिस मर्द का वजूद एक मिसाल है, उसने अफ़गानों के लिए कौमियत की असास फराहम की, और ये शहीदान मोहब्बत का इमाम आबरूए हिंदो चीनो रूमो शाम सुल्तान टीपू है, इसका नाम सूरज और चाँद से भी ज़्यादा रोशन है, इसकी कब्र की खाक मुझसे और तुमसे ज़्यादा ज़िंदा है, इश्क एक राज था जिसे उसने सहरा सुपुर्द करके अहम कर दिया, तुम नहीं जानते उसने किस मुश्ताकाना अंदाज में अपनी जान दी। जानते सुल्तान टीपू कि जिस तरह उसने अपनी जान दी
अंग्रेज़ के मुकाबले में, वो आप सबको मालूम होनी चाहिए। तो उसका ज़िक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं तुम नहीं जानते उसने किस मुश्ताकाना अंदाज़ से अपनी जान दी। बद्र हुनैन के ख्वाजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में उसका फ़ख्र जज्बे हुसैन का वारिस था, जज्बे हुसैन का वारिस था। इस हफ्त रोज़ा सराय से सुल्तान तो अब जा चुका, इस हफ्त रोज़ा सराय, एक हफ्ते की सराय है ये दुनिया, इस हफ्त रोज़ा सराय से सुल्तान तो अब जा चुका, लेकिन दक्कन में उसके मज़ार पर नौबत अब भी बजती है। ये अल्लामा की ज़िंदगी तक, ये तो गए थे उसके मज़ार पर दक्कन में, तो उस ज़माने में भी नौबत उसके मज़ार पर बजती थी, पता नहीं अब उसी तरह की सूरत है या नहीं, मालूम नहीं कि ऐसी है कि नहीं, लेकिन अल्लामा इकबाल के ज़माने में नौबत वहाँ पर बजती थी जैसे कोई ज़िंदा है, नौबत अब भी बजती है। मेरे अल्फाज और मेरी आवाज़ खाम और मेरी सोच नातमाम है, मैं उस मकाम की अज़मत के बारे में क्या कहूँ, सलातीन के इस महल के जलवों से फरिश्ते बसारत ज़िंदगी दानाई गोयाई और आगाही हासिल करते हैं। वो कसर ऐसा है जिसके दरो दीवार सब फिरोज़े के बने हैं, और ऐसे लगता है जैसे नीलगुं आसमान उसके पहलू में है, उसकी रिफत चंदो चगों पैमाइशों से बुलंदतर है, और देखने वाला हैरत से दंग रह जाता है। उसके फूल सर्व समन और शाखों के सिलसिले लताफत में तस्वीरें बहार की तरह हैं। बाद सबा वहाँ ऐसा जादू करती है कि देखते ही देखते जर्द रंग सुर्ख हो जाता है, हर तरफ फवारे मोती बखेरते हैं और बहिश्त के परिंदे चहचहाते नज़र आते हैं। उस बुलंद महल के अंदर एक बारगाह है जिसके जर्रे इतने रोशन हैं कि सूरज को अपनी गिरफ्त में लाते हैं। उसकी छतें दीवारें और सतून अकीक पत्थर के हैं, फर्श रेशम के और उनके हाशिए भी अकीक के हैं। इस इमारत के दाएं और बाएं हूरें जरीन कमर बंदों के साथ सफ बस्ता खड़ी हैं, उनके दरमियान सोने के तख्त पर जमशेद और बहराम की शौकत वाले बादशाह बैठे हैं। रूमी हुस्ने अदब का आईना नहायत दिलेराना अंदाज में इकबाल का तारफ कराता है उनके साथ। रूमी कहता है ये मर्द एक शायर है जिसका ताल्लुक मशरक से है, शायर है या साहिर है पर है मशरक से, उसका फिक्र बारीक और जान दर्द मंद है, उसकी शायरी ने मशरकियों के दिलों में आग भड़का दी है। नादर कहता है ए मशरकी नुक्ता संज खुश आमदीद, तुम्हें फारसी जबान में शायरी जेब देती है, हम महरे में राज हैं, हमसे राज की बात कह दे, ईरान के बारे में जो कुछ जानते हो बताओ। सो जिंदा रूह कहता है बहुत मुद्दत के बाद ईरान ने अपनी आँख खोल कर अपने आप को देखा है। अब ये ईरान इकबाल के ज़माने का है, ये 1930 के ज़माने का ईरान है जब वहाँ पर शाह ईरान ने कह लीजिए ईरानी नेशनलिज्म पर ज़ोर दे रखा था, तो उसका जिक्र कर रहे हैं, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, कह रहे हैं बहुत मुद्दत से ईरान ने अपनी आँख खोल कर अपने आप को देखा है मगर वो फरंगी जाल के हल्के में फंसा है, फरंगी शोख व संग नाज़ीनों का कुश्ता बनकर रह गया है, वो खुद खालिक तहजीब होकर इन अब फरंगियों की तकलीद कर रहा है। उस वतन और नसब पर फरिश्ता का काम ये है कि ज़माना कुफर के शाहपुर का जिक्र करता है लेकिन इस्लामी अहद और अरब को तहकीर की निगाह से देखता है, उसके रोज़गार नए तजर्बों से खाली हैं, वो पुरानी कब्रों में ज़िंदगी तलाश कर रहा है, वतन से पैवस्त मगर अपने आप से अलहदा हो चुका है, उसने अपना दिल आतिश परस्त रुस्तम को दे दिया और अली हैदर करार को भूल गया, वो अहले फरंग से बातिल नक्श लेता है और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी उन्हीं की तर्ज पर गुजार रहा है। यर्द हर्द के ज़माने में ईरान पर बुढ़ापा तारी हो गया था, उसका चेहरा बेरौनक और खून सर्द था, उसका मज़हब आइन और निज़ाम सब फरसूदा थे, उसकी सुबह और शाम की रोशनी और तारीकी कोहना हो चुके थे,
उसके जाम में अंगूरी शराब की कोई मौज न थी। इसी तरह उसकी तौदाए खाक में कोई शरर न रहा था, ताँ के सराय अरब में एक महशर बरपा हुआ जिसके बायस ईरान को एक नई ज़िंदगी मिली। ऐसा हशर खुदा की अनायात में से है, ईरान अब भी मौजूद है लेकिन अजीम रोमन सल्तनत कहाँ है? जिस कौम के पैकर से जान निकल चुकी हो वो क़यामत के बग़ैर कब्र की मट्टी से नहीं उठ सकती। सराई मर्दों ने ईरान को नई जान अता की और फिर रेगिस्तान की तरफ वापस चले गए। उन्होंने हमारी लॉ पे लिखी फरसूदा तहरीर मिटा दी और असरे नौ का सामान देकर चले गए। अफसोस, ईरान ने अरब के एहसान को नहीं पहचाना, वो फरंगियों की आग में पिघल गए। तो ये उस ईरान का जिक्र कर रहे हैं जो शाह के ज़माने का ईरान था। आप देखिए कि इनकलाब ईरान में भी आ चुका है और अब वो ईरान नहीं है जो इकबाल के ज़माने में था। और इकबाल जहाँ तक ईरान में मकबूल है, वो तो कहते हैं कि ईरान ने इनकलाब इकबाल ने ईरान में इनकलाब ईरान की पेशगोई कर रखी है। जब उसने कहा, अब इकबाल के अशार हैं जिसमें वो फरमाते हैं कि मैं रोज़न दीवार से देख रहा हूँ तुम्हें आज़ादी दिलाने वाला आ रहा है। तो वो कहते हैं कि इमाम खमीनी के मुतालिक इकबाल ने ये एक तरह से शहादत दी थी कि ईरान आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि उसको आज़ादी दिलाने वाला मैं रोज़न दीवार से देख रहा हूँ कि वो आ रहा है। तो ईरान में इकबाल की मकबूलियत का एक सबब ये भी है। इतने में नासिर खुसरो की रूह नमुदार होती है और मस्ताना वार गज़ल सुनाकर गायब हो जाती है। सो अमीर खुसरो आता है तो ये फरमा रहे हैं, जब तूने अपने हाथ को तलवार और कलम का मरकब बना लिया तो फिर गम ना कर के अगर तेरा जिस्म लंगड़ा या लूला है। हुनर तलवार की धार और कलम की नोक से पैदा होता है, ए भाई ये उसी तरह है जैसे आग से रोशनी और नारोन लकड़ी से आग पैदा होती है। अगर बेदीन के हाथ में कलम और तलवार आ जाए तो उसे बेहुनर समझ, क्योंकि अगर दीन न हो तो कलम और तलवार की कोई वक़्त नहीं। दीन दाना से इज्जत पाता है और नादान के हाथों खार होता है। नादान के सामने दीन उसी तरह है जैसे गाय के सामने चंबेली का फूल रख दिया जाए। ये उस कपड़े की तरह है जिसके निसफ से तो हज़रत अलियास का कुर्ता बने और बाकी निसफ से यहूदी का कफन। ये मुहावरा है एक, जिससे मुराद आप समझ गए होंगे कि क्या है, कि जिसके निसफ से तो हज़रत अलियास का कुर्ता बने और बाकी निसफ से यहूदी का कफन। ये उस वक्त सूरत पैदा होती है जब दीन नादान के हाथ में आ जाता है। और यहाँ अल्लामा इकबाल नादान समझते हैं आपके मदरसों को और आपके उलमाए सो कॉल्ड उलमाए कराम को, कि वो फरमाते हैं खुद ही जावेद नामे में, हम उससे गुज़र चुके हैं जिसमें उनको मंसूर हल्लाज बयान करते हैं कि हमारे मदरसे और हमारे उलमा एक तरफ कुरान के राज और हमारे उलमा और हमारे मदरसे एक तरफ मादरजाद अंधे और दूसरी तरफ नूर आफ्ताब, यानी कुरान और उनका फ़र्क बता रहे हैं। तो यहाँ इसी तरफ इशारा है। अब्दाली कहता है, वो जवान जिसने कई सल्तनतों की बुनियाद रखी और बाद अज़ां अपने आप को अपने पहाड़ों और बयानों में वापस ले गया, उसने कोहसारों में आग तो भड़काई लेकिन क्या वो इस आग से पुख्ता होकर निकला या उसी में जल मरा? तो जिंदा रूद कहता है, दीगर अकवाम तो अपने अफराद में इत्तेहाद पैदा करने में सरगर्म है लेकिन अफगानी भाई भाई से मसरूफ़ पैकार है। अब ये देखें अफ़गानिस्तान के मुतालिक जो इन अशार में जावेद नामे में अल्लामा फरमा गए हैं, वो आज भी वही सूरत है। आप हैरान होंगे कि ये कैसे अशार हैं। कहते हैं, अफ़गानिस्तान की ज़िंदगी से दरअसल मशरक़ की ज़िंदगी वाबस्ता है, क्योंकि वहाँ 10 साल बच्चा भी जंगजू है मगर इस खुद से बेखबर ने अपने आप को गंवा दिया
अपनी पोशीदा सलाहियतों को नहीं पहचाना। वो दिल तो रखता है, अफ़गानिस्तान के मुतालिक कह रहे हैं, वो दिल तो रखता है मगर दिल से गाफिल है। वहाँ जिस्म जिस्म से और दिल दिल से अलग है। इस मुसाफिर को अपनी मंजिल का रास्ता नहीं मिलता, उसकी जान मकासद से आगाह नहीं। अफ़गानों की ज़हनियत को जानने वाले शायर ने खूब कहा है, दरअसल वो जो कुछ देखता है बेखौफी से कह देता है। वो मिल्लत अफ़गानिया का हकीम भी है और तबीब भी। उसने अपनी कौम का राज पाकर जो कहा बेबाकाना कहा। उसने सच्ची बात रिंदाना शोखी से कह दी कि अगर किसी आज़ाद अफ़गान को ऐसा ऊँट मिल जाए जिसके साथ साजो सामान और मोतियों का अंबार हो, तो वो इतना पस्त हिम्मत है कि मोतियों के अंबार की बजाय ऊँट की घंटी से खुश हो जाएगा। ये अफ़गानों की ऐसा नीयत को का जाहिर कर रहा है। तो अब्दाली, क्योंकि अब्दाली का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से है, वो कह रहा है हमारी उस्ताद से आबोताब है, हमारी उस्ताद में आबोताब है तो दिल के बायस है। इंसान की खाक दिल ही की वजह से जागती और सोती है। दिल की मौत से बदन दिगरगुं हो जाता है और उसके मसामों से पसीना खून बनकर निकलता है। दिल को तकलीफ़ हो तो बदन बिल्कुल बेकार हो जाता है। बस नज़र को दिल पर जमा और दिल के सवा किसी और शय पर तवज्जो मत दो। एशिया पानी और मिट्टी का एक पैकर है और अफगान कौम उस पैकर का दिल है। अगर उसमें ख़राबी है तो सारी एशिया में ख़राबी होगी, अगर उसमें खुशहाली है तो सारे एशिया में खुशहाली होगी। देखिए ये कैसी अजीब बात कर रहे हैं 1930 में। जब तक दिल आज़ाद है तन भी आज़ाद है, वरना तन उस तिनके की तरह है जो हवा की राह में पड़ा हो। जिस तरह तन आइन का पाबंद है उसी तरह दिल भी आइन का पाबंद है। कीना परवरी दिल को मार देती है, लेकिन दीन से दिल जिंदा रहता है। दीन की कुव्वत मुकामे वहादत से है। वहादत अगर वजूद में आ जाए तो मिल्लत बन जाती है। मशरक मगरब की तकलीद के बायस खुद को फरामोश कर चुका है। मशरकी अकवाम को मगरब की तकलीद की बजाय उसकी तनकीद करनी चाहिए। मगरब की ताकत उसके चंगो रुबाब से नहीं, ना उसकी दुख्तराने बेहिजाब के रक्स से है, ना उसके सुर्ख चेहरा जादूगरां के सहर से है, ना उसकी खातीन की नंगी पिंडलियों और बालों की तराश से है। ये देखिए, ये उस ज़माने की जो मगरबी खातीन का अंदाज़ बाल काटने का और नंगी पिंडलियों का था, जो फैशन था उस ज़माने का, उसका अक्स पेश कर रहे हैं। ये उस ज़माने का स्टाइल था। आपने फिल्मों में देखा होगा कि वही जो बालों की कट और फिर ड्रेसेस, जिस किस्म के नंगे पिंडलियाँ, उसका जिक्र इकबाल कर रहे हैं कि मगरिब का राज ये नहीं है उनकी ख्वातीन की, या उनके सुर्ख चेहरों वाले जादूगरों का शहर नहीं है, ना उसकी हुकूमती लादीनियत के बायस है, ना उसकी तरक्की लातीनी रस्म ख़त इख्तियार करने से। कुव्वत फ़रंग का सबब उसका इल्म फ़न है। उसका चराग इसी इल्म फ़न की आग से रोशन है। उसकी हिकमत का ताल्लुक लिबास की कता व बरीद से नहीं। इमामा इल्म हुनर की तहसील की मुखालफत नहीं करता। है जवाने शोख व संग, इल्म फ़न हासिल करने के लिए दिमाग चाहिए ना कि फरंगी लिबास। इस राह पर चलने के लिए निगाह के सवा और कुछ नहीं चाहिए, ना इस तर्ज़ की टोपी ना उस तर्ज़ की टोपी मतलूब है। अगर तेरा फ़िक्र चालाक है तो बस काफ़ी है, अगर तेरी तबाह दुर्राक है तो बस यही काफ़ी है। अगर कोई रातों को चराग का धुआं खाए और फ़िक्र व मुताला जाली रखे तो इल्म व फ़न व हिकमत का सुराख पा लेगा। मुआनी की सल्तनत की हदों तक हदें कोई मुतय्यन नहीं कर सका। मुआनी की सल्तनत की हदें कोई मुतय्यन नहीं कर सका। ये जहाद पहम के बग़ैर हाथ नहीं आती। तुर्क अपने आप को भूल चुके हैं और फरंग की शराब में मस्त हैं।
उन्होंने फरंगियों के हाथ से मीठा जहर पी लिया क्योंकि उन्होंने इराक का तरियाक अपने हाथ से गवा दिया है। मैं सवाए इसके और क्या कहूँ कि खुदा उनका मुहाफिज हो। ये उस ज़माने में तुर्की पर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं जिस वक्त उन्होंने सेकुलर स्टेट डिक्लेयर अपने आप को की थी। अब तुर्की भी बदल चुका है, वो उस तरह नहीं रहा जैसे इकबाल के ज़माने में था। कहते हैं फ्रंक के ग़ुलाम ने अपने झूठे ज़ौक़ नमूद की खातिर मगरबियों से रक़्स व सरूद तो ले रखा है, उसने खेल तमाशे के एवज़ अपनी नकद जान दे दी क्योंकि इल्म का हसूल मुश्किल है और खेल तमाशा आसान, तन आसानी सहल है, लिहाजा उसकी फितरत ने आसान राह इख्तियार की। इस दायरे कोहन में आसानी ढूंढना इस अमर की दलील है कि जान बदन से निकल चुके हैं। अब जिंदा रूद कहता है, क्या आप जानते हैं तहजीब फरंग क्या है? उनके जहान में रंगों की सैकड़ों जन्नतें हैं। उस तहजीब के जलवों ने कई ख़ानदान जला दिए, उनकी शाखें पत्ते और आशियाने तक जला दिए। उस तहजीब का जाहिर रोशन और पुरकशिश है मगर दिल को ज़ईफ़ और निगाह को महदूद करता है। आँख उसके जलवे देखती है और दिल अंदर से डरता है, हत्ता के देखने वाला इस बुतखाने के आगे अपना सर झुका देता है। कोई नहीं जानता कि मशरिक की तकदीर क्या है। उन्होंने जाहिर से दिल लगा लिया, कौन कह सकता है उनके बच निकलने की तदबीर क्या होगी। अब्दाली कहता है, इस वक्त मशरक की तकदीर का इनसार रजा शाह पहलवी और नादर शाह अफगान के इरादे और तदब्बर पर है। ये 1930 का मशरक वस्ता है, ईरान और अफगानिस्तान उसका जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं कि रजा शाह पहलवी और नादर शाह अफगान, ये वो अफगान नादर शाह नहीं वो जिसका पहले जिक्र हो चुका है, वो नादर तो ईरान का था, ये नादर शाह अफगानी है जिसके इकबाल के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात थे। इकबाल उसी ज़माने में नादर शाह अफगानी के ही ज़माने में काबुल गए थे सर रास मसूद के साथ और मौलाना हाँ जी जहाँ तो उस ज़माने में एजुकेशनल पॉलिसी उसने, और उसी ज़माने में जिस वक्त ये वापस आ रहे थे तो उसका कत्ल हो गया था नादर शाह अफगानी का। आपको शायद मालूम होगा कि नादर शाह अफगानी के बेटे ज़ाहिर शाह ने अल्लामा इकबाल के मज़ार पर जो कतबा है वो उसी ने भेजा हुआ है। सो इकबाल का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से ख़ास तौर पर था क्योंकि वो समझते थे कि अफ़गानिस्तान सारे एशिया की तकदीर है, अगर वहाँ ख़राबी होगी तो हर जगह पर एशिया में भी ख़राबी होगी। तो फिर अब कहता है अब्दाली, इस वक्त मशरक़ की तकदीर का इनसार रजा शाह पहलवी और नादर शाह अफगान के इरादे और तदबीर पर है। पहलवी ईरान के पुराने बादशाहों के तख्त का वारिस है, उसने अपने नाखून से ईरान का उकदा खोला है। नादर शाह दुरानियों का सरमाया है, उसने अफगानियों को एक कौम की हैसियत दी है, वो दीनों वतन के गम में जारो जबू है। उसका लश्कर पहाड़ों से निकला, वो खुद सपाही भी था, सपाहगर भी और अमीर सपाह भी, वो दुश्मन के लिए फौलाद और दोस्तों के लिए रेशम था। मैं उस पर कुर्बान जाऊं, उसने खुद को देखा है और असर हाजिर को खूब समझता है। मगरबियों के तौर तरीके तो साहराना है, इसलिए अपने अलावा किसी और पर एतमाद करना काफरी है। सुल्तान शहीद इस दौरान में खामोश रहता है। अब टीपू बोलता है, सुल्तान शहीद कहता है, ऐ जिंदा रूद, अहले हिंद और हिंदुस्तान के मुतालिक भी बात कर, कुछ बता कुछ बता, जिसके एक तिनके के सामने बोस्तान की भी कोई वक़्त नहीं। अब उसकी मस्जिदों के अंदर हंगामे मर चुके हैं, उसके मंदिरों के अंदर आग बुझ चुकी है, हमने उसकी खातिर अपना खून किया, हमने अपनी जान से उसको उसकी याद को पाला, हमारे गम से उसके गम का कयास कर। अफसोस उस माशूक पर
जो अपने आशिक को नहीं पहचानता। सुधींदा रूद कहता है हिंदी कानून फरहंग के मुनकर हैं, वो फरंगियों के सैर व अफसून को कबूल नहीं करते। गैरों का कानून रूह के लिए भारी बोझ होता है, अगरचे वो आसमान ही से क्यों ना उतरा हो। सुल्तान शहीद कहता है आदम खाक की एक मुट्ठी और एक दिल, और उस दिल में एक आरजू के लिए पैदा होता है। आदमी आदम खाक की एक मुट्ठी और एक दिल, और उस दिल में एक आरजू के लिए पैदा होता है। इसलिए न सिर्फ गुनाह से लज्जत उठाना उसका काम है, बल्कि अपने अलावा किसी गैर की परवाह न करना भी उसका काम है। गुनाह के बगैर खुदी हाथ में नहीं आती। अच्छा, ये देखिए कैसी बात कह गए हैं, गुनाह के बगैर खुदी हाथ में नहीं आती। और जब तक खुदी हाथ में ना आए आदमी शिकस्त खाता है। ये आपको शायद इलामा का ये तसव्वुर जो है गुनाह की अहमियत के, उसकी एक तालीमी अहमियत है, और ये कहना कि नेक लोग अमूमन बेवकूफ़ होते हैं, उसमें भी एक हकीकत है कि गुनाह का पॉजिटिव रोल इंसान की ज़िंदगी में क्या है। अब हाउ टू बिकम बावकूफ़। बेवकूफ़ तो खैर जो हैं सो हैं। यानी इकबाल फरमा रहे हैं कि बावकूफ़ होने के लिए नेक होना शर्त नहीं है, बावकूफ़ होने के लिए बद भी होना ठीक है, बशर्ते कि बदी को भी अगर आप कह लीजिए तख्लीकी अंदाज में करें तो वो भी गुनाह नहीं सवाब बन जाता है। ये भी इकबाल का कौल है कि बदी भी नेकी बन जाती है अगर तख्लीकी अंदाज में की जाए। सो एम्फेसिस तख्लीक पर है, क्रिएटिविटी पर है। सो क्रिएटिविटी इज़ द क्राइटेरियन विच मेक्स गुड और बैड और वाइसा वर्सा। सो यहाँ कहते हैं कि गुनाह के बगैर खुदी हाथ नहीं आती, और जब तक खुदी हाथ ना आए आदमी शिकस्त खाता है। तुमने हमारे शहर व दियार को देखा है, तुम्हारी आँखों ने मेरी तुर्बत को अकीदत से छुआ। ऐ हदूद कायनात के शनासा, क्या तुमने धकन के अंदर आसारे हयात देखे हैं। तो जिंदा रूद कहता है मैंने धकन के अंदर अपने आंसुओं के बीज बोए हैं। जो ज़माने में होके आए थे धकन से और टीपू के मज़ार पर से, कहते हैं मैंने दक्कन के अंदर अपने आंसुओं के बीज बोए हैं, अब उस चमन की खाक से लाले के फूल उगने लगे हैं। दरियाए कावेरी जो मदाम अपने सफ़र जारी रखे है, मैंने उसकी जान में एक नया शोर पैदा होते देखा है। सुल्तान शहीद कहता है ऐ कि तुझे ऐसा कलाम अता हुआ है जो दिलों को फरोज़ा करता है, मैं अभी तक तेरे आंसुओं की तपश से जल रहा हूँ। टीपू कह रहा है कि मैं अभी तक तेरे आंसुओं की तपश से जल रहा हूँ। मर्दाने राज के नाखून की काविश से, साज की रगों से खून की नदी बहने लग जाती है। तेरी जान से जो निदा उठ रही है वो हर सीने को सोजे दरू अता करती है। अब यहाँ आगे जो पैसेज आता है ये बड़ा अजीब व गरीब है। ये सुल्तान शहीद के मुंह से कहलवाते हैं मैं हज़रत मौलाए कुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर में पेश हुआ हूँ। आ हजूर के बगैर रास्ते तय कर सकना मुमकिन नहीं, अगरचे वहाँ किसी को बात करने की जरूरत नहीं होती। वहाँ रूह को सवाए दीदार के और कोई काम नहीं, मगर मैं तुम्हारे अशार की गर्मी से चल रहा था, अचानक मेरी ज़बान पर तुम्हारे अशार आ गए। पूछा गया जो अशार तूने पढ़े हैं किसके हैं। उनके अंदर तो ज़िंदगी के हंगामे हैं, अब तू इसी सोच से जो जान के मुआफिक है हमारी तरफ से दरए कावेरी को एक दो बातें पहुंचा दो। इस दुनिया में दो भी जिंदा रूद है और वो भी बहती नदी है।
सरूर के अंदर सरूर तू भी मुतरन्नम वो भी मुतरन्नम खूब रहेगा। अब दरियाए कावेरी को सुल्तान शहीद का पैगाम है। ऐ दरियाए कावेरी ज़रा हौले चल, शायद मुसलसल रवा रहने से तू थक गया है। तू पहाड़ों में एक मुद्दत से शोर मचा रहा है, तूने अपना रास्ता अपनी मजगां से खोदा है। ऐ कि तू मुझे जीहूँ और फरात से भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ऐ के दकन के लिए तेरा पानी आबे हयात है। आह आह जो शहर वो शहर जो तेरी आगोश में आबाद था, उसका शीरीन हुसन तेरे बहते हुए पानियों के जलवे से था। अगरचे तू पुराना हो चुका है मगर तेरा शबाब पेचताब और रंगो आप उसी तरह हैं। तेरी मौज ने एक गौर के दाने के सिवा कुछ पैदा नहीं किया, खुदा करे तेरी मौजें अब तक शुरीदा रहें। है कि तेरी मौजों का साज सोज जिंदगी का बायस है, क्या तू जानता है कौन तुझे पैगाम भेज रहा है। ये वही हस्ती है जिसकी सतवत का तू तवाफ़ करता रहा, वही हस्ती जिसकी सल्तनत का तू आईनादार था, वही हस्ती जिसकी तदबीर से सहरा बहिश्त बन गए, जिसने अपना नक्श अपने खून से लिखा, जिसकी खाक सैकड़ों आरजुओं का मुरजा है। तेरी मौजों में इज़्तिराब उसी के खून के सबब है, वही जिसकी गुफ्तार सरापा किरदार थी। मशरक महवे ख्वाब था मगर वो बेदार था। ऐ कि मैं और तू दरिया हयात की मौजें हैं, ये कायनात हर लहजे नया रुख इख्तियार करती है, ज़िंदगी भी हर दम इनकलाब चाहती है, क्योंकि वो नए आलम की तलाश में है। हर वजूद का तारो पूत उसके माजी से जुड़ा है, ये तमाम ज़ौके पैदाई दरअसल फना के बायस है, रास्ते भी मुसाफिरों की तरह सफ़र में हैं, रास्ते भी मुसाफिरों की तरह सफ़र में हैं। हर कहीं क़याम ज़ाहिर है मगर सफ़र पोशीदा है, कारवानों नाकाओ दश्तो नखील जिसे भी देखो सफ़र की तकलीफ़ के सबब नाला व फरियाद कर रहा है। चमन में फूल एक लम्हे का मेहमान है, उसका रंग रूप एक लम्हे का इम्तिहान है। मौसम गुल क्या है, मातम भी है और ऐशो इशरत भी, गुंचा उसकी आगोश है और नक्श गुल उसके दोष पर। उसने लाले के फूल से कहा कुछ देर और जलता रहे, उसने जवाब दिया तूने अभी तक हमारा राज नहीं पाया। वजूद की तामीर खसो खाशाक से होती है मगर नमूद का अंजाम सवाए हसरत के और क्या है। क्या तू हयात व मौत की सराय में आना चाहता है, अदम से वजूद में आना चाहता है? ना, अगर वाकई आना है तो शरारे की तरह खुद फना ना हो बल्कि किसी खिरमन की तलाश में आवारा फिरता रहे। अगर तूने अपने अंदर सूरज की तरह चमक और गर्मी अगर तू अपने अंदर सूरज की तरह चमक और गर्मी रखता है तो फिर अफलाक की वसतों में कदम रख। कोहो मुर्गो गुलशनो सहरा सबको अपने सोज से जला दे, बल्कि मछलियां जो दरिया की तह में हैं उन्हें भी जला दे। अगर तू ऐसा सीना रखता है जो तीर खा सके तो जहान में शाहीन की तरह जिंदा रह और शाहीन की ही मौत मर। मैंने खुदा से लंबी ज़िंदगी नहीं मांगी, कम उम्र चाहने ही में तूले हयात और बका है। ज़िंदगी क्या है, उसके रसूमों दीनों मसलक क्या हैं? शेर की एक लम्हे की ज़िंदगी भेड़ की सौ साला हयात से बेहतर है। ज़िंदगी खुदा के सामने झुकने और उसकी रज़ा में राज़ी रहने से मुस्तहकम होती है। मौत महज बेरंग तिलिस्म और शब्द की मानंद फरेब नज़र है। खुदा का बंदा शेर है और मौत के सामने हिरन है,
دراصل موت اس کے سینکڑوں مقامات میں سے ایک مقام ہے۔ مرد کامل تو موت پر اس طرح جھپٹتا ہے جیسے شاہین کبوتر پر۔ نفس کا غلام ہر لمحہ موت کے خوف سے مرتا ہے، حتیٰ کہ موت کے ڈر سے اس کی زندگی حرام ہو جاتی ہے، لیکن آزاد بندے کی شان ہی اور ہے۔ موت اسے نئی حیات عطا کرتی ہے اور اپنی فکر کرتا ہے، وہ اپنی فکر کرتا ہے۔ موت اندیشہ نہیں ہوتا۔ آزاد بندوں کی موت لمحہ بھر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس موت سے گزر جا جو صرف قبر تک لے جاتی ہے، کیونکہ ایسی موت تو حیوانوں کی موت ہے۔ مرد مومن خدا سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اسے ایسی موت دے جو خاک سے اٹھ کر دوبارہ اسے زندگی عطا کر دے۔ اگر مومن ہر قسم کی موت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے لیکن حضرت علی کے فرزند حسین کی موت کوئی اور چیز ہے۔ یہ دوسری موت کیا ہے؟ راہ شوق کی انتہا ہے، گو شوق کے ہنگامے میں اس کی آخری تکبیر ہے۔ بادشاہوں کی جنگ دنیا میں تباہی لاتی ہے، لیکن مومن کی جنگ حضور کی سنت کی پیروی میں جہاد کرنا ہے۔ مومن کی جنگ کیا ہے؟ محبوب کی طرف ہجرت کرنا، دنیا چھوڑ کر دوست کے کوچے کی راہ اختیار کرنا۔ وہ جس نے اقوام دنیا کو عشق کی بات بتائی، اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ جہاد اسلام کی رہبانیت ہے، لیکن سوائے شہید کے اس نقطے کو اور کوئی نہیں جانتا، کیونکہ شہید اپنا خون دے کر اس نقطے کو پاتا ہے۔ اب منظر تاریخ ہو جاتا ہے، جب روشن ہوتا ہے تو زندہ رود اور رومی محل سے نکل کر گلستان میں کھڑے ہیں۔ زندہ رود کو حوروں نے گھیر رکھا ہے، سو اب زندہ رود فردوس بنی سے رخصت ہوتا ہے، رخصت ہونے کی کوشش کرتا ہے تو حوران بہشتی اسے گھیر لیتی ہیں اور اس کے قیام کا تقاضا کرتی ہیں کہ یوں ہی ٹھہر جا۔ تو زندہ رود کہتا ہے، سلطان شہید کا پیغام سن کر میرے صبر و سکون کا پیمانہ پاش پاش ہو گیا۔ رومی کہنے لگا، اٹھ اب یہاں سے چلیں۔ زندہ رود کہتا ہے، وہ عشق کی باتیں اور وہ جذب و یقین وہ ایوان اور وہ بلند بالا محل، میں اپنے خون بھرے دل کے ساتھ اس کے دروازے سے نکلا اور باہر حوروں کے ہجوم کو کھڑے پایا۔ حوریں کہتی ہیں، اے زندہ رود، اے صاحب سوز و سرود، اے زندہ رود، ایک دو دمے ہمارے ساتھ بھی گزارتا جا، ہمارے پاس بیٹھ جا۔ زندہ رود جواب دیتا ہے، وہ مسافر جو سفر کا راز جانتا ہے، وہ رازن سے زیادہ منزل سے خوف کھاتا ہے۔ عشق ہجر اور وصال دونوں میں آسودگی نہیں پاتا، صرف جمال لازوال کا دیدار ہی اس کی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ عشق کی ابتدا اگرچہ بتوں کے سامنے جھکنے سے ہوتی ہے، مگر اس کی انتہا ایسے دلبروں سے آزاد ہو جانا ہے۔ عشق بے پرواہ ہے، ہر دم سفر میں رہتا ہے۔ مکان ہو یا لا مکان، جہان ہو یا آخرت، وہ ہر صورت میں ابن سبیل ہے، محو سفر ہے۔ کسی پل اسے چین نہیں، بس ہمارا مسلک موج تیز گام کی طرح اپنی راہ لینا اور قیام نہ کرنا ہے۔ تو حوریں کہتی ہیں، تیرے طور طریقے واقعی زمانے کے مطابق ہی ہیں، بے شک نہ ٹھہر، اپنی نوائے شوق تو ہم سے دور نہ رکھ، ہمیں کوئی غزل تو سناتا جا۔ تو یہ حوروں کو غزل سناتے ہیں، کہتے ہیں، تو آدمی کا تو پا نہ سکا، خدا کی تلاش کیوں کر رہا ہے؟ تو آدمی کو تو پا نہ سکا، خدا کی تلاش میں کیوں ہے؟ تو اپنے آپ سے تو دور ہے، دوست کس لیے ڈھونڈ رہا ہے؟ تو اپنے آپ سے تو دور ہے،
दोस्त किस लिए ढूंढ रहा है? शाख गुल से दोबारा आवेज़ां हो, उसी से आबो नम हासिल कर। तेरा तो रंग उड़ा हुआ है, तू बादे सबा से क्या चाहता है? खून दिल के दो कतरे ही तो हैं जिन्हें मुश्क कहते हैं। मुश्क आखिर क्या है? खून दिल के कतरे हैं। खून दिल के दो कतरे ही तो हैं जिन्हें मुश्क कहते हैं। ए हरम के हिरन, तू मुल्क खिता में क्या तलाश कर रहा है? फ़ख्र की पहचान सुल्तानी और जहांगीरी है, तू जमशेद का तख्त तलब कर बोरिया क्यों ढूंढ रहा है? उसका सुराग तू लाले के फूलों के खियाबान से लगाते हैं। उसका सराग तो लाले के फूलों के खयाबान से लगाते हैं। तू हमारी नवाए खून शुदा में क्या तलाश कर रहा है? रोशन दिलों की सोबत से निगाह तेज होती है, तू कमजोरी नज़र का इलाज सुरमे में क्यों ढूंढ रहा है? हम कलंदर हैं, हमारी करामत जहां बीनी है। मुझसे निगाह मांग, कीमिया किस लिए तलाश कर रहा है? यहाँ ये ख़त्म हो जाता है आज का हिस्सा, और बाकी हिस्सा जो है वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे करेंगे। अब दो ही टुकड़े रह गए हैं, एक तो खुदा के हजूर में है, खुदा से कलाम है, उससे गुफ्तगू है, और आखिर का हिस्सा आप सब से मुखातब जावेद के नाम गुफ्तगू बाय निजाद नौ। सो वो बाकी हिस्सा अगले हफ्ते इंशाल्लाह।